नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। नजर डालते हैं ताजा खबरों को फटाफट अंदाज में। बलिया पहुंचे सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संकेत दिए हैं कि अब सपा जनता के मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ ट्विटर पर विरोध नहीं बल्कि सड़क पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि सपाई राम और कृष्णा को मानने वाले लोग हैं, अब वो मोमबत्ती लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे बल्कि अब तो लंका जलेगी। अमेठी में डीआरएस भारत पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया, जहां विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रिहरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस पेट्रोल पंप के चालू होने से आसपास के किसानों के साथ राहगीरों को अब सहूलियत होगी। वहीं इससे पहले कार्यक्रम में आए अतिथियों पर पंप मालिक डॉक्टर अजीत सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एसडीएम ने 7000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई बरामद शराब से भरे कमरों और जगह न होने के कारण कराई गई है। बरामद शराब की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में कंबल वितरण कराया गया, जहां पार्षद रेखा रोशनी ने असहाय और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने शिरकत की। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस ने गोवंशों से भरे कैंटर को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इससे पहले तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। फरुखाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धांधली करने का मामला सामने आया है, जहां कमालगंज विकासखंड के फतेहपुर राव साहब गांव के एक परिवार ने प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि प्रधान ने आवास के नाम पर 30,000 की मांग की, मांग पूरी नहीं होने पर उसका नाम कटवा दिया गया। हरदोई में बीजेपी के नगर महामंत्री पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी नगर महामंत्री सपा नेता की बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर फरार हो गया है, जिसके बाद सपा नेता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। इसके बाद बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। फिरोजाबाद में न्यायालय के केंद्रीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां 11 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। लोक अदालत में करीब 1,00,000 वादों के निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम में ग्राम प्रधान समेत 691 जोड़े एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वैवाहिक समारोह में पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच धूमधाम से 669 के फेरे हुए व 22 जोड़ों का काजी ने निकाह कराया। कार्यक्रम में आला अधिकारियों के साथ ही विधायक राजेंद्र मौर्य ने भी शिरकत की। फरुखाबाद में डीआरएम रेखा यादव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वेटिंग हॉल, व्हीकल स्टैंड, पानी की व्यवस्थाओं को देखा, जहां उन्होंने रेलवे अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि अमृत भारत योजना में फरुखाबाद रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। सीतापुर के मानपुर थाने में सब इंस्पेक्टर ने शादी की सालगिरह मनाई, जहां सभी नियमों को ताक पर रखकर डीजे की धुन पर थाने में नाच गाना किया गया। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में डीएम प्रियंका निरंजन के दौड़ लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे सीएम योगी। आपको बता दें कि 28 जनवरी तक खेल महाकुंभ चलेगा। मुरादाबाद में कॉलेज में बुरखा पहनकर आई छात्राओं को रोक दिया गया, जिसके बाद समाजवादी छात्र सभा ने धरना दिया। गौरतलब है कि हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी से ही ड्रेस कोड लागू कर दिया गया था। बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में महिलाओं ने ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया, वहीं महिलाओं के चोरी करने की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शामली के एक रेस्टोरेंट में चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां एक महिला का पर्स गिर गया। इसके बाद पास बैठे युवकों ने पर्स पर हाथ साफ कर दिया, वहीं ये पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मेरठ में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पिछले 5 दिनों से स्कूल में आवारा जानवरों को रखा गया है, जबकि स्कूल के बाहर बच्चों को कक्षाएं लगाई जा रही हैं। आगरा में सीएम योगी ने सांसद खेल स्पर्धा का वर्चुअल शुभारंभ किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस खेल स्पर्धा में हजारों खिलाड़ी शामिल हुए। उन्नाव में बेखौफ अपराधी चौकीदार को बंधक बनाकर जेसीबी लूट ले गए। पुलिस पूछताछ में चौकीदार ने बताया कि 5 बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। राखी सावंत पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब राखी सावंत को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा की शिकायत पर राखी को हिरासत में लिया है। राखी सावंत पर आरोप है कि उन्होंने कुछ समय पहले शर्लिन चोपड़ा का आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें वायरल कर दी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही भारतीय टीम में इस समय 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोहरा शतक जमा चुके हैं, जिनमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल का नाम शामिल है। सोने और चांदी कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है, जहां सोने की कीमत 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 67,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे माई भारत न्यूज।